मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक अजीब मामला सामने आया है। आइए जानते हैं क्या है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भिखारियों ने अपना एक गिरोह बना लिया था और दिन में शहर के अलग अलग हिस्सों में भीख मांगा करते थे और रात को होटल में रुक जाया करते थे। है ना अजीब मामला। कोई भिखारी जिसे हम सुबह ऑफिस जाते वक्त भीख में रुपये या पैसा दे दिया करते हैं, वह रात में हमसे अच्छे से आराम फरमा रहा है। वह किसी लॉज या होटल में आराम से कमरा बुक करके रह रहा है। सुबह उठते ही तैयार होकर वह निकल जाता है और अपने काम पर लग जाता है। यह लोग राजस्थान से इंदौर जाकर यही कर रहे थे, लेकिन शिकायत और सूचना के बाद पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तब पता चला कि उनके पास कई जगहों पर संपत्तियां हैं। पुलिस ने जिन 22 भिखारियों को पकड़ा उनमें 11 नाबालिग और अन्य महिलाएं थी। पुलिस ने सभी को समझाइश देकर उनके मूल स्थान राजस्थान छोड़ दिया है, लेकिन सभी होटल लॉज और अन्य रिसोर्ट को पुलिस ने निर्देशित किया है कि किसी भी भिखारी को होटल में जगह न दी जाए, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार के कानून और न्याय विभाग ने पायलट आधार पर इंदौर से देश के 30 शहरों में भिक्षा मुक्ति अभियान शुरू किया है, इसलिए इंदौर शहर में भिखारियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर शहर में ही कुछ दिनों पहले एक महिला भिखारी को पकड़ा गया था जो उज्जैन रोड पर लौकुश चौक में भीख मांगती थी। उस महिला ने 2 ही महीने में भीख मांगकर करीब 2.5 लाख रुपए इकट्ठा किए। उसने 1 लाख रुपए अपनी सास को भी भेज दिए थे। जांच में उस महिला के पास जमीन, मकान, बाइक और स्मार्टफोन भी मिला। यह महिला भी राजस्थान की रहने वाली थी। पुलिस ने बताया कि ऐसे भिखारियों के गिरोह अगर शहर में सक्रिय रहेंगे तो शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ेगा, इसलिए इन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कई राज्य हैं जहां उनसे लगे अन्य राज्य के शहरों के लोग दूसरे शहरों में दाखिल हो जाया करते हैं। धीरे धीरे वह वहां की आबो हवा को समझते हैं और सुरक्षित स्थान देखकर डेरा जमाने लगते हैं। इसका मतलब वह इतने दिन गुजारने की पूरी तैयारी से आते हैं और फिर कमाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसे लोग किसी न किसी अपराध में लिप्त पाए जाते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ही भिखारियों से मुक्त हो रहा है, बाकी अन्य शहरों में तो हालात ही कुछ और हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे 30 शहरों को चिन्हित किया है जिन्हें भिखारी मुक्त करना है। इन शहरों में अयोध्या से गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम से लेकर त्र्यंबकेश्वर जैसे शहर शामिल हैं। इन शहरों में भिखारियों की पहचान करने के लिए व्यापक पैमाने पर सर्वेक्षण कराया जाएगा, साथ ही भिक्षावृत्ति में शामिल महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के पुनर्वास के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी ताकि वे भिक्षावृत्ति छोड़कर सामान्य जीवन जी सकें। केंद्र सरकार ने चिन्हित 30 शहरों को वर्ष 2026 तक भिक्षा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भिक्षावृत्ति के लिहाज से हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करने के लिए संबंधित जिला एवं नगरीय निकायों के साथ मिलकर काम करेगी। चयनित शहरों में जिन जगहों पर भिखारी ज़्यादा सक्रिय है पहले उन स्थानों की पहचान की जाएगी, इसके बाद भिखारियों को चिन्हित किया जाएगा और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। ऐसे लोगों को स्किल डेवलपमेंट स्कीम से भी जोड़ा जाएगा ताकि वे भविष्य में रोजी रोटी के लिए भिक्षावृत्ति को अपना सहारा ना बनाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।